प्रेम प्रकाश का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को ग्राम पैना जिला देवरिया में हुआ था। श्री प्रेम प्रकाश सिंह 1996 में बहुजन समाज पार्टी तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरज जिला देवरिया से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री प्रेम प्रकाश सिंह, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न जन आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार महाराजगढ़ में बंदी रहे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सदस्य तथा प्रबंधक रहे थे। वे किसान सहकारी चीनी मिल, समाजवादी श्रमिक संघ सितारगंज तथा ईस्टर इंडस्ट्रियल श्रमिक संघ चारू बेटा खटीमा जिला उधम सिंह नगर के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा, पशुपालन एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री प्रेम प्रकाश सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह का 10 मार्च 2023 को निधन हो गया। वह लगभग 75 वर्ष के थे। श्री रणधीर सिंह का जन्म 1 जनवरी 1948 को ग्राम बिरूकी जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने BA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रणधीर सिंह वर्ष 1993 में तथा वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रणधीर सिंह विधानसभा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य रहे। वे नगर पालिका मुजफ्फरनगर के सभासद तथा डॉक्टर अम्बेडकर मंच के सदस्य भी रहे। समाज सेवा तथा भ्रमण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रणधीर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुजान सिंह बुंदेला का 30 मार्च 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 77 वर्ष के थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला का जन्म 1 जून 1946 को ग्राम डोगरा कला तहसील पाली जिला ललितपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र महरौनी जिला ललितपुर से कांग्रेस आई के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1984 एवं वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला ग्राम प्रधान डोंगरा कला तथा जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर रहे। वे कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शारदा प्रसाद शुक्ला 18 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला का जन्म 11 जनवरी 1945 को रहीम नगर पडियाना जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातोकर एवं विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शारदा प्रसाद वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989 में जनता दल तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सरोजिनी नगर जिला लखनऊ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला श्री अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखनऊ एवं सेंट्रल जेल वाराणसी में बंदी रहे। वे क्रांति विद्या मंदिर लखनऊ के संरक्षक रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसंपर्क प्रिय था। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिशंकर तिवारी का 16 मई 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 83 वर्ष के थे। श्री हरिशंकर तिवारी का जन्म 5 अगस्त 1940 को ग्राम टांडा जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिशंकर तिवारी वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1991, 1991, 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1996 में अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी तथा 2002 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से निर्वाचित क्षेत्र चिल्लूपार जिला गोरखपुर से 6 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री हरिशंकर तिवारी, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश जी, श्री राजनाथ सिंह, सुश्री मायावती तथा श्री मुलायम सिंह यादव जी मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे। वो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य
तथा नेशनल डिग्री कॉलेज बड़लगंज गोरखपुर के अध्यक्ष रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिशंकर तिवारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह का 17 मई 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री अवनीश कुमार सिंह का जन्म 13 अगस्त 1943 को सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अवनीश कुमार सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1985, 1991, 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दातागंज जिला बदायूं से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अवनीश कुमार सिंह विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार बदायूं में बंदी रहे। समाज सेवा में अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अवनीश कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिद्वार दुबे 26 जून 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री हरिद्वार दुबे का जन्म 1 जून 1946 को हुसैनाबाद जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने एमए एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिद्वार दुबे वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र आगरा छावनी जिला आगरा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2020 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। श्री हरिद्वार दुबे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रहे। वह विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार आगरा, नैनी एवं फतेहगढ़ आदि जिलों में बंदी रहे थे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों के सदस्य रहे थे। समाज सेवा, पर्यटन, बागवानी तथा खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। शहरदार दुबे के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अबरार अहमद 2 अगस्त 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 73 वर्ष के थे। श्री अबरार अहमद का जन्म 8 नवंबर 1950 को अजुई जिला सुल्तानपुर में हुआ था। श्री अबरार अहमद वर्ष 2012 व वर्ष 2017 निर्वाचन क्षेत्र इसौली जिला सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अबरार अहमद विधानसभा के आचार समिति के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्य रहे तथा सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी कार्यकर्ता थे। श्री अबरार अहमद के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 49 वर्ष के थे। श्री खालिद अहमद उर्फ अशरफ का जन्म 3 अप्रैल 1974 को जिला प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ वर्ष 2005 के उपनिर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम जिला प्रयागराज इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अतीक अहमद वर्ष 1991, 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी जिला प्रयागराज इलाहाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संदिग्ध परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ देर मौन रखें।